आरएस स्टडी पॉलिनोमियल। देखिए मेरे प्रिय छात्रों, हम क्लास 9 का चैप्टर 5 स्टार्ट कर चुके हैं। उसमें एक्सरसाइज हमारी 5.3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे हमने 16। आज हम 17वां क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है 17। देखिए इसमें ये लिखा है एक्स से 4x प्लस 3 बराबर एक्स क्यूब 3x स्क्वायर एक्स प्लस 3 का एक गुणनखंड है या नहीं। बहुत ही सरल है, तो क्या करेंगे इसका डिवाइड इसमें करते हैं। एस से इस पर 0 आएगा तो आपका गुणनखंड है अन्यथा नहीं है। बहुत आराम से करेंगे, एक्स स्क्वायर 4x प्लस 3 का डिवाइड करना है एक्स क्यूब 3x स्क्वायर एक्स प्लस 3 में, तो क्या होगा देखो, x का इस पूरे में गुणा करेंगे एक्स क्यूब 4x स्क्वायर प्लस 3x, या लिखेंगे घटा दे माइनस प्लस, इससे ये कटेगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1x स्क्वायर 3 और 4x प्लस 3। अब देखिए ये सेम, ये लिखा है वही ये लिखा है, तो क्या करेंगे केवल प्लस 1 का मल्टीप्लाई करते हैं पूरे में, एक्स स्क्वायर 4x प्लस 3, यहाँ लिखो घटाने पर, घटाने पर इससे कटा इससे कटा इससे, शेषफल क्या आ जाएगा 0, शेषफल इक्वल 0। इसीलिए ये वाला औपत इसका एक गुणनखंड है। इस आते हैं एक्स स्क्वायर 4x प्लस 3 बहुपद एक्स क्यूब 3x स्क्वायर एक्स प्लस 3 का एक गुणनखंड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसे नोट करो। और अगला क्वेश्चन ऐसे ही है 18 मार्क्स, ऐसे ही निकाल रहे हैं। देखो 18 मार्क्स है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2 बराबर एक्स क्यूब 3x स्क्वायर 4x माइनस 4, यानी ये इसका एक गुणनखंड है या नहीं है। सिंपल है, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2 में डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब 3x स्क्वायर 4x माइनस 4। तो देखिए एक्स क्यूब करने के लिए एक्स साइज पूरे में मल्टीप्लाई करते हैं एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर 2x पूरे में, इसका यहाँ से माइनस प्लस माइनस, इससे ये कटा, इसमें से घटाएंगे माइनस 2x स्क्वायर 4 में से 2 गया 2x माइनस 4। अब केवल माइनस 2 का पूरे में गुणा होगा 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 में 4, ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया प्लस, ये कटा ये कटा ये शेषफल हो गया 0, शेषफल का 0 आते हैं एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2 बराबर एक्स क्यूब 3x स्क्वायर 4x माइनस 4 का एक गुणनखंड, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी इसी तरह का है। देखिए आराम से घर पर आप रहते हैं तो आराम से बैठ कर और क्वेश्चन को समझा कर फिर उन्हें दोबारा सॉल्व किया करो। एक्स माइनस 3 बराबर एक्स क्यूब 3 और 2 एक्स स्क्वायर 3x माइनस का ये गुणनखंड है, ये इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो हम एक्स माइनस 3 का इसमें डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब 2x स्क्वायर 3x माइनस, सिंपल, एक्स क्यूब करने के लिए क्या करेंगे एक्स स्क्वायर का पूरे में गुणा, तो एक्स क्यूब 3x स्क्वायर माइनस प्लस, इससे कटा 3 में से 2 जाएगा 1x स्क्वायर
3x है ना सिंपल। अब क्या करेंगे x स्क्वायर करने के लिए, केवल x का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x स्क्वायर माइनस 3x, ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया 6x। अब देखिए x तो है, 6 लाने के लिए 6 का बना, तो 6x किया 18 माइनस प्लस, इससे ये कटा, इससे ये 0 हो गया। तो अब चेक, अब शेषफल क्या आ गया 0, शेषफल इक्वल टू रूट ए से ही अतः x माइनस 3 बहुपद x क्यूब 2x स्क्वायर 3x माइनस 18 का एक गुणनखंड। ठीक है बच्चों, आराम से देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल से सवाल थे। 20वां क्वेश्चन और देखते हैं। 20वां क्वेश्चन में कह रहा है भाग देना है, एफ एक्स में जी एक्स से भाग देंगे और ए बताना है भागफल और शेष। देखते हैं पहला क्वेश्चन, एफ एक्स, एक्स बराबर 5, 5x क्यूब 3x स्क्वायर 5x प्लस 3, जी एक्स का मान दे रहा है एक्स स्क्वायर 4x प्लस 2 के लिए, इसमें क्या है भागफल और शेष का, तो एफ एक्स में भाग लगाना है जी एक्स से, तो सिंपल है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 में भाग देना है एक्स पे 5, 5x क्यूब 3x स्क्वायर 5x प्लस 3। देखो x फाइव करने के लिए x क्यूब का इस पूरे में मल्टीप्लाई करते हैं, x फाइव 4x बराबर 4 2x क्यूब, ये माइनस माइनस माइनस, इससे ये कट गया। देखो बच्चों अब इसमें से कटा नहीं सकते क्योंकि वो 4 3 4 का इस पर 3 आ, ये ऐसे ही रहेगा, 4x बराबर 4 5 में से हो जाएगा 3x क्यूब 3x स्क्वायर 5x प्लस 3। अब देखो तो माइनस 4x पे भाग 4 है तो दूसरा करना है, तो 4x पे भाग 4, 4 चौके 16x पे भाग 3 और 4 पूरी 8x स्क्वायर, ये देखो प्लस, ये प्लस, इससे ये प्लस 16 और 3 19 x पे भाग 3 8 और 3 11 x स्क्वायर 5x प्लस। अब 19x क्यों करने के लिए केवल 19 का करेंगे, थोड़ा इसमें 19x पे भाग 3 19 चौक 76 x स्क्वायर 19 दूनी 38 x, ये माइनस माइनस माइनस, 6 में से एक जाएगा 5, 7 में से एक जाएगा 6 दूनी माइनस का 8 में से यानी 33 x प्लस 3। अब इसमें करना है केवल माइनस 65 कर दो, माइनस 65 एक्स स्क्वायर 4 पंजे 20 6 चौक 24 4 पंजे 20 6 चौक 24 25 26 एक्स और 65 दूनी 130 क्या होगा प्लस प्लस, इससे कटा, इसमें से देखो 10 में से 3 गया 7, 5 में से 3 गया 2, 227 एक्स और इसमें से घटाएंगे क्या बचेगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा 133, ये शेषफल हो गया, ये भागफल, ये आपका भागफल लिखेंगे और ये आपका हो गया शेषफल। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, सरल सा क्वेश्चन था, बहुत ही सरल था, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब आपके जो 20 में के दो सवाल हैं वो आपको सेम करने में, यहाँ लिखे रहो सेकेंड, क्या लिखे हैं एफ एक्स 6x पर आप इसमें भाग लगाना है जी एक्स का 3x स्क्वायर एक्स प्लस 1 से और थर्ड है तो जी एक्स एक्स की प्लस। ठीक है बच्चों, मुझे एक ही नहीं आशा है
कि आगे वाले क्वेश्चन आप स्वयं करो। बहुत सिंपल है, इसका डिवाइडेशन करो, इसका डिवाइडेशन जो भागफल आया उसे सब उसे नोट कर दीजिए, हो जाएगा सवाल। ठीक है, ओके, कल फिर मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कल फिर मिलेंगे। ओके।